हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स आपकी जो बुक है आरबीएसई की ये इंग्लिश की बुक है और कल हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर वन रीड कर लिया था आज हम पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर टू स्माइल विथ अ ब्लेसिंग स्माइल विथ अ ब्लेसिंग चलिए देखते हैं कौन है और किसको ब्लेसिंग दे रहे हैं देखिए यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं वट आर यू सींग इन दिस पिक्चर Yes. एक बच्चा है जो क्या हो गया जो घिर गया है और इनकी हेल्प कौन कर रहे हैं एक बूढ़े दादाजी कर रहे हैं क्या आपने किसी कभी मदद की है यस चलिए इसको डिस्कस करिएगा क्लास में कि आपने किसकी मदद की है नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं बड़े प्यार से बड़े अच्छे से और समझ समझ के An old lady was going to market. एक बूढ़ी औरत बाजार जा रही थी बाजार जा रही थी एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट एक बूढ़ी औरत बाजार जा रही थी She was carrying a basket of fruit, वह अपने वह क्या लेके जा, ले जा रही थी वह फूलों सॉरी फलों की टोकरी लेकर जा रही थी वह फलों की टोकरी लेकर जा रही थी ऑन द वे he stepped ऑन बनाना peel. रास्ते में उसका पैर बनाना के छिलके पर पड़ गया एंड fell डाउन और वह गिर गई जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है पीपल स्टार्टेड लाफिंग हेटर लोग उस पर हंसने लगे ऑल हर फ्रूट मतलब बिखर गए ऑन द ग्राउंड उसके सारे फ्रूट्स जमीन पर बिखर गए अब देखिए इसमें मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड मीना ने उस कड़ी हुई जो औरत थी उसकी हेल्प की She up all the and द them एंड पुट the basket उन्होंने उस मीना ने क्या किया सारे जो फ्रूट थे जल्दी जल्दी इकट्ठे किए और उसको बास्केट में डाल दिया मीना थ्रू द बनाना पील इन टू द डस्टबिन मीना ने बनाना पील डस्टबिन में डाल दिया ओ थैंक यू सो मच मी गॉड ब्लैस यू ओल्ड लेडी ओल्ड लेडी ने कहा थैंक यू सो मच मे गॉड ब्लेस यू भगवान तुम्हें सदा खुश रखे आशीर्वाद दिया उसको ऐसा ओल्ड लेडी ने बोला तो ये थी कहानी छोटी सी कहानी जिसमें हमको ये पता चला है कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए चलिए ग्लोसरी देख लेते हैं कैरिंग कैरिंग कैरिंगस किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना स्टैप्ड कदम रखा पिल छिलका स्र्ड स्के बिखर गए पिग्ड अप उठाया डस्टबिन कचरा पात्र ब्लेसिंग आशीर्वाद नौ टिक एक्टिविटी नंबर वन टेक अगें द करेक्ट ऑप्शन एंड ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू ओल्ड लेडी जा रही थी वेयर हॉस्पिटल टेम्पल स्कूल मार्केट मार्केट यस द ओल्ड लेडी स्टैप ऑन द पील ऑफ किसके छिलके पर कदम रखा उसने एप्पल पपाया बनाना और ऑरेंज एस बनाना द ओल्ड लेडी सैड टू मीना ओल्ड लेडी ने मीना को क्या बोला सॉरी थैंक यू एक्सक्यूज मी नथिंग, नो 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 ही से थैंक यू उसने क्या बोला थैंक यू लेट सी द क्वेश्चन आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ वॉट वॉज द ओल्ड वुमेन कैरिंग ओल्ड वुमेन क्या लेके जा रही थी आप लिखोगे द ओल्ड वुमैन कै वॉज फिर ये वॉज यहां लिख देना वॉज कैरिंग क्या लिखी जा रही थी यस बास्केट ऑफ फ्रूट्स हु दी टू स्टैंड किसने मदद की थी बताइए यस yes. तो आप बस हु की जगह क्या लिखते हो बच्चों मीना फिर पूरा देख के लिखना आपको मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड वेयर डिड मीना थ्रो द बनाना पील बनाना पील कहाँ फेंका था उन्होंने मीना ने यस डस्टबिन तो यू हैव टू राइट लाइक दिस मीना थ्रो को कर दीजिएगा थ्रू द बनाना पील इन टू द डस्टबिन डी यूएसटी बी आई एन वॉट डेड द ओल्ड लेडी गिफ्ट टू मीना मीना को क्या दिया ओल्ड लेडी ने ब्लेसिंग yes, व टू राइट द ओल्ड लेडी गैव ब्लेसिंग आशीर्वाद दिया ना उसको टू मीना ओके सिंपल से आंसर है एन वेरी इजी आंसर यू कैन लर्न वेरी इजली लेट सी दिस पिक्चर यू हैव टू राइट फ्रूट्स नेम यू कैन डू इट बाय सेल्फ कर सकते हो ना एंड लुक एट दिस पिक्चर सम पिक्चर्स पील्स सम पिक्चर पील्स बिफोर ईटिंग एंड सम ये आई लिखा ठीक है सम फ्रूट्स आई पील बिफोर ईटिंग एंड सम आई ईट विथ स्किन नहीं कह रहे मैं कुछ फ्रूट्स को तो छील कर खाता हूँ और कुछ फ्रूट को मैं स्किन समेत यानी कि उसको छीलने की जरूरत नहीं पड़ती तो आपको क्या करना है यहाँ पे पी फॉर पील यानी कि जिसके आप छिलके छील कर खाते हो और एज फॉर स्किन जिसको आप ऐसे ही खा जाते हो तो ये एक्टिविटी भी आपके लिए है बच्चों आपको घर से करना है ये होमवर्क आपको एंड गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड लिस्टेड बिलो यू में चूज दिस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स में कुछ वर्ड्स है आपको इसका अपोजिट करना है जस्ट लाइक लेट सी ओल्ड मिस बूढ़ा यंग मिस जवान okay? शुरू करना स्टॉप मीन्स रुक जाना क्या लिखोगे स्टॉप गिव मीन्स देना टेक मींस लेना अंदर, बाहर, Stand means खड़े होना, sit means बैठना, रोना, टॉल मीस लंबा शॉर्ट मीस छोटा फुल मींस भरा हुआ इमपट्टी मीन्स खाली ओके okay? ये भी हो गया आपका चलिए नेम द एक्टिविटी एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बच्चों ये भी आपको अपने से करना है ईटिंग दीन्स खाना प्लेइंग खेलना लाफिंग हंसना कैरिंग ले जाना स्कीपिंग मतलब रस्सी कूदना डिगिंग मीन्स खोदना हाइडिंग मींस छिप जाना वाटरिंग मतलब पानी देना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है ये आपको लिखना है एक्टिविटी नंबर थर्ड ओके लेट सी द टीचर विल रिसाइड द पोयम अलाउड एंड आस्ट द स्टूडेंट टू मेक पेयर एंड द रीड आउट द पोएम ईच अदर आपको क्या करना है एक बार हम इसको पढ़ के सुनाएंगे आपको फिर आप लोग पेयर बनाइएगा और एक दूसरे को सुनाना है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वॉटर एंड सोप विल मेक यू स्वीट यस अगेन स्पीक वॉटर एंड सोप

चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पिक्चर में थैंक यू बोल रही है और इनको सॉरी बोल रहे हैं लग गई बाय मिस्टेक नो प्रॉब्लम नाउ सी द नाउ फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन सिचुएशन इन ईच सेंटेंस अब कुछ सिचुएशन कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ दे देगी उसमें आप क्या बोलोगे रवि हेल्प हाँ सीता इन हर होमवर्क रवि सीता की मदद करता है उसके होमवर्क में तो सीता क्या बोलेगी उसको सॉरी बोलेगी कि थैंक यू बोलेगी यस थैंक यू बोलेगी तो आपको क्या लिखना है थैंक यू योर फ्रेंड विशेज यू हैप्पी बर्थडे आपकी फ्रेंड आपको बोलते हैप्पी बर्थडे व्हाट विल यू से हिम तब आप उसको क्या बोलोगे सॉरी कि थैंक यू यस थैंक यू You have lost your friend's notebook. आपने अपने दोस्त की नोटबुक खो दी मतलब आपसे खो गई जानबूझ के नहीं खो आपने खो गई वट यू से टू हिम तो आपसे क्या बोलोगे आई एम सॉरी यस यो गेंट फादर गिव यू ए टॉय आपके दादाजी ने आपको एक खिलोना ला के दिया विल यू से टू हिम आप उनसे क्या कहोगे सॉरी के थैंक यू यस थैंक यू नाउ एक्टिविटी नंबर फोर राइट द फाइव सेंटेंस अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स विद्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट चार्ट दिया यहाँ पे फर्स्ट लिखा है आपका हेल्पफुलरिंग लवली का आपको कैसे करना है माई ग्रैंड पेरेंट्स आर तो फर्स्ट तो लवली लिखा ही है फिर आप क्या लिखोगे माई ग्रैंड पेरेंट्स आर काइंड माई ग्रैंड पेरेंट्स आर केयरिंग my ग्रैंड पेरेंट्स आर ट्रूथफुल grandparents ग्रैंड पेरेंट्स आर हेल्पफुल are ग्रैंड पेरेंट्स आर फ्रेंडली honest ग्रैंड grandparents पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स आर शेयरिंग तो आप इसे सेंटेंस बना लोगे ये हमारा चैप्टर नंबर टू फिनिश हो गया इजी भी था टू थ्री टाइम आप इसको रीड करिएगा वेरी गुड बाय फिर मिलते हैं